बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घरों में खैर वखैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंग्लिश 5 क्लास के यूनिट नंबर 4 की कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड, चेक इन कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू लिटल डीज ऑफ काइंडनेस मेक आवर लाइफ हैप्पी। मेहरबानी के छोटे छोटे काम किस तरह से हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बनाते हैं। आंसर, लिटल डीज ऑफ काइंडनेस मेक आवर लाइफ हैप्पी बाय हेल्पिंग द नीडी। ज़रूरतमंदों की मदद के छोटे छोटे मेहरबानी के काम हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। नज़म का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में बयान कर। Answer: The main idea of the poem is that our little actions and words have great importance. Our little errors may lead us away from the path of virtue. Similarly, our deeds of kindness and virtue can make our earth a heaven. Therefore, we should be careful of our conduct. नज़म का मरकजी ख्याल ये है कि हमारे छोटे छोटे काम और अल्फाज बहुत अहमियत रखते हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें नेकी के रास्ते से दूर लेकर जा सकती हैं। बिल्कुल इस तरह से हमारे मेहरबानी के काम और नेकी हमारी ज़मीन को जन्नत बना सकते हैं। इसीलिए हमें अपने रवैये में मोहतात होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स विच कम एट द एंड ऑफ ईच लाइन। हर सतर के आखिर में आने वाले तमाम हम काफिया अल्फाज लिखें। आंसर, सैंड, लैंड, अवे, अस्ट्रे, लव, अबव। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द लाइंस बिलो। नीचे दी गई सतूर को हल करने के लिए खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पूर्ण करें। नंबर 1, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ डैश मेक द माइटी ओशन। वाटर, लिक्विड, rain. The correct option is water. Number 2, little grains of sand make the dash land. Big, horrible, beauteous. The correct option is beauteous. Number 3, little movements make the might dash. Days, nights, ages. The correct option is ages. Number 4, our little errors lead the soul away from the paths of dash. Evil, virtue, wickedness. The correct option is virtue. Number 5, little deeds of kindness and little words of love make the dash an Eden. Moon, earth, sun. The correct option is earth. लिटरेरी एनालिसिस, अदबी तजज़िया। अथर्स टून इज़ हिज आर हर एटीट्यूड टू वर्ड द टॉपिक। मुसन्निफ़ का लहजा, उनवान की जानिब, मुसन्निफ़ का रवैया इसका लहजा है। राइट द लेटर ऑफ द फ्रेज दैट बेस्ट आंसर्स ईच क्वेश्चन। हर सवाल के दुरुस्त जवाब के लिए इस जुमले का हर्फ लिखें। अथर्स टून, द अथर इन दिस पोएम इज़ ए, केयरलेस, बी, सैड, सी, फनी, डी, थाटफुल। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, थाटफुल। आथर्स पर्पस, द आथर्स पर्पस इन दिस पोएम इज टू ए, क्रिटिसाइज, बी, कंप्लेन, सी, इन्फॉर्म, डी, अम्यूज। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इन्फॉर्म। आथर्स ऑडियंस, द पोएम इज मोस्ट लाइकली एड्रेस टू ए, यंग चिल्ड्रन, बी, टीनेजर्स, सी, अडल्ट्स, डी, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस पोएम इज टू ए, लीव यू द थिंग्स ऑन देयर ओन, बी, इग्नोर एवरीथिंग, सी, शो द ओशन, डी, लीड योर लाइफ विद केयर। The correct option is D, lead your life with care.
comprehension skill, meme idea and details. The meme idea is what the story of the poem is all about. Usually one sentence tells about the meme idea and the other sentence gives the detail. नज़म की कहानी जिस मुतलक होती है उसे मरकजी ख्याल कहते हैं। आम तौर पर एक जुमला मरकजी ख्याल को ज़ाहिर करता है और बाकी दूसरे जुमले तफसील बताते हैं। रीड द फर्स्ट सेंटेंजा ऑफ द पोएम। द मेम आइडिया ऑफ द सेंटेंजा इज यूजुअली इन द फर्स्ट लाइन विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ टॉपिक सेंटेंस। ऑल अदर लाइंस ऑफ द सेंटेंजा आर सपोर्टिंग डिटेल्स दैट सपोर्ट द मेम आइडिया। नज़म का पहला बांध पढ़ें। बांध का मरकजी ख्याल अमूमन पहली सतर में होता है जिसे मौजूआती जुमला भी कहते हैं और बांध में मौजूद बाकी सतूर इमदादी तफसील हैं जो मरकजी ख्याल की तायीद करती हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंजा द टॉपिक और द मेम आइडिया इज। पहले बांध में मरकजी ख्याल का उन्वान है मेम आइडिया। लिटल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल वन। लिटल ड्रॉप्स ऑफ वाटर सपोर्टिंग डिटेल टू। लिटल ग्रेन्स ऑफ सैंड सपोर्टिंग डिटेल थ्री। मेक द माइटी ओशन एंड द ब्यूटियस लैंड। नाउ फाइंड द मेम आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ अदर सेंटेंजास ऑफ द पोएम। आप दूसरे बंदों के मरकजी ख्याल और इमदादी तफसील तलाश करें। सेंटेंजा टू मेम आइडिया। एवरी लिटल थिंग हैज इट्स इंपॉर्टेंस टू सपोर्टिंग डिटेल वन एंड द लिटल मोमेंट्स सपोर्टिंग डिटेल टू। हम्बल दो दे बी सपोर्टिंग डिटेल थ्री। मेक द माइटी ऑफ इटर्निटी स्टैंजा थ्री मेम आइडिया। आवर लिटल ईवल डीड्स टेक अस टू द हेल टू स्ट्रे सपोर्टिंग डिटेल वन। सो द लिटल एरर्स सपोर्टिंग डिटेल टू। लीड द सॉल अवे सपोर्टिंग डिटेल थ्री। फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्चू इन टू सेन टू स्ट्रे स्टैंजा फोर मेम आइडिया। आवर नोबल डीड्स मेक आवर अर्थ लवली प्लेस सपोर्टिंग डिटेल वन। लिटल डीड्स ऑफ काइंडनेस सपोर्टिंग डिटेल टू। लिटल वर्ड्स ऑफ लव सपोर्टिंग डिटेल थ्री। मेक आवर अर्थ एंड ईडन लाइक द हेवन अबव। लर्न अबाउट वर्ड्स अल्फाज से मुतलक सीखें। वर्ड मीनिंग अल्फाज मैनी। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए में मौजूद लफ्ज को कॉलम बी में मौजूद उनके मैनी से मिलाएं। ग्रेन्स वेरी स्मॉल पीस ऑफ अ सब्सटेंस सच हैज सैंड। हम्बल मॉडेस्ट। ब्यूटियस ब्यूटीफुल। माइटी huge, enormous, ages, a very long time, eternity, time without end, virtue, behavior showing high moral standards or quality, stray, wander away, Eden, garden of paradise. वर्ड स्टडी फोनिक्स। बिगेनिंग डाइग्राफ्स। बिगेनिंग का मतलब है इब्तदाई और डाइग्राफ्स का मतलब है दो हर्फ या हरूफ इल्लत। फोटो थिंग द लेटर्स पी एच स्टैंड फॉर द वन साउंड यू हियर एट द बिगेनिंग ऑफ फोटो एंड फोन। इट इज द सेम साउंड ऑफ एफ एंड फैन। हरूफ पी एच इकट्ठे होकर एक वायद आवाज देते हैं जो आप लफ्ज़ फ़ोटो में सुनते हैं या फ़ोन में। ये लफ्ज़ फैन में एफ़ की आवाज़ की तरह है। द लेटर्स टी एच कैन स्टैंड फॉर टू साउंड्स। वन साउंड यू हियर एट द बिगेनिंग ऑफ दिस एंड द अदर साउंड यू हियर एट थिंग आर थिंक। हरूफ टी एच की दो आवाज़ें हो सकती हैं। पहली आवाज़ आप लफ्ज़ दिस के शुरू में सुनते हैं और दूसरी आवाज़ आप लफ्ज़ थिंक के शुरू में सुनते हैं। सम वर्ड्स इन द सेंटेंसेस बिलो बिगेन विद मिसिंग पी एच आर टी एच। नीचे दर्ज जुमलों में कुछ अल्फाज में इब्तदाई पी एच और टी एच मौजूद हैं। राइट द मिसिंग डाइग्राफ्स टू करेक्ट ईच वर्ड।
हर लफ्ज़ की दुरुस्ती के लिए मिसिंग डाइग्राफ्स को लिखें। नंबर वन, माय फ्रेंड कॉल्ड मी ऑन द डैश ओ एन ई टूडे। यहाँ खाली जगह में पी एच लगेगा, इस तरह ये कंप्लीट वर्ड फोन बनेगा। नंबर टू, आई डैश आई एन के ही वांट्स मी टू विजिट हिम अगेन। यहाँ खाली जगह में टी एच लगेगा, इस तरह ये कंप्लीट वर्ड थिंक बनेगा। नंबर थ्री, ही टोक सम डैश ओ टी ओ एस ऑफ मी लास्ट मंथ। यहाँ खाली जगह में पी एच लगेगा, इस तरह ये कंप्लीट वर्ड फोटोज बनेगा। नंबर फोर, डैश ई वाई शो मी प्लेइंग इन द सॉकर ग्राउंड। यहाँ खाली जगह में टी एच लगेगा, इस तरह ये कंप्लीट वर्ड दे बनेगा। नंबर फाइव, इट वॉज माई सेकेंड विजिट डैश ई आर ई। यहाँ खाली जगह में टी एच लगेगा, इस तरह ये कंप्लीट वर्ड देयर बनेगा। नंबर सिक्स, आई होप आई कैन गो आ डैश आई आर डी टाइम। यहाँ खाली जगह में टी एच लगेगा, इस तरह ये कंप्लीट वर्ड थर्ड बनेगा। लैंग्वेज एंड आर्ट्स। नाउन, नाउन को उर्दू में कहते हैं इस्म या नाम। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। एक लफ्ज़ जो एक शख्स जगह चीज़ या सोच को नाम देता है इसम है। एग्जांपल, सारा टोक हर कैमरा टू टेक पिक्चर। अंडरलाइन अ नाउन आर नाउन्स इन ईच सेंटेंस। हर जुमले में नाउन्स या नाउन्स को अंडरलाइन करें। नंबर वन, आई लव माय मदर। इस सेंटेंस में मदर नाउन है। नंबर टू, माय मदर इज़ अ ग्रेट कुक। इस सेंटेंस में मदर और कुक नाउन्स हैं। नंबर थ्री, आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में फुटबॉल और फ्रेंड्स नाउन्स हैं। नंबर फोर, स्ट्रॉबेरी इज़ माई फेवरेट आइसक्रीम। इस सेंटेंस में स्ट्रॉबेरी और आइसक्रीम नाउन्स हैं। नंबर फाइव, आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। इस सेंटेंस में लफज बुक्स नाउन है। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। कॉमन का लफ्ज़ी तर्जमा है आम और प्रॉपर का लफ्ज़ी तर्जमा है खास। कॉमन नाउन को उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं और प्रॉपर नाउन को इसमें मार्फा कहते हैं। अ कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। इसमें नकरा किसी शख्स जगह चीज़ या सोच को नाम देता है। एग्जांपल, माय अंकल लिव्स इन लाहौर। इस सेंटेंस में अंकल कॉमन नाउन है। अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। इसमें मार्फा एक खास शख्स जगह चीज़ या सोच को नाम देता है। एग्जांपल, अली लिव्स इन लाहौर। इस सेंटेंस में अली और लाहौर प्रॉपर नाउन हैं। प्रॉपर नाउन आर कैपिटलाइज। सम प्रॉपर नाउन्स हैव मोर देन वन वर्ड, सच हैज मीनार पाकिस्तान। प्रॉपर नाउन बड़े हरूफ से लिखे जाते हैं। कुछ प्रॉपर नाउन्स में एक से ज़ायद बड़े हरूफ होते हैं, जैसा कि मीनार पाकिस्तान में एम और पी कैपिटल है। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। यहाँ कुछ कॉमन और प्रॉपर नाउन्स की मिसालें हैं। कॉमन नाउन, बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, बिल्डिंग, ओशन, स्ट्रीट, न्यूज़पेपर। प्रॉपर नाउन एग्जाम्पल्स, अहमद, सना, मुल्तान, तुर्की, प्रेसिडेंट हाउस, एटलांटिक, ईडन स्ट्रीट, द न्यूज़। रीड द सेंटेंसेस बिलो, अंडरलाइन ईच कॉमन नाउन एंड सर्कल ईच प्रॉपर नाउन। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंस के अंदर जो वर्ड कॉमन नाउन है उनके नीचे हमने लाइन लगानी है और जो वर्ड्स इनके अंदर प्रॉपर नाउन है उनके गिर्द हमने सर्कल लगाना है। नंबर वन, माई कज़न रऊफ विल विजिट मी इन जून। इस सेंटेंस में कज़न कॉमन नाउन है, जबकि रऊफ और जून ये दोनों वर्ड प्रॉपर नाउन है। नंबर टू, माई फ्रेंड ओपन्ड अ बिग स्टोर इन लाहौर। इस सेंटेंस में फ्रेंड कॉमन नाउन है, जबकि लाहौर प्रॉपर नाउन है। नंबर थ्री, माई फादर्स ऑफिस इज़ ऑन डिफेंस रोड। इस सेंटेंस में ऑफिस कॉमन नाउन है,
जो आपके डिफेंस रोड प्रॉपर नाउन है। नंबर 4, डॉक्टर इमरान इज अ डॉक्टर इन सिविल हॉस्पिटल। इस सेंटेंस में इमरान, सिविल हॉस्पिटल, ये दोनों वर्ड प्रॉपर नाउन है, जबकि इस सेंटेंस में मौजूद डॉक्टर कॉमन नाउन है। नंबर 5, द नेक्स्ट टाइम आई विल बी ट्रैवलिंग टू तुर्की। इस सेंटेंस में टाइम कॉमन नाउन है, जबकि तुर्की प्रॉपर नाउन है। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर का मतलब है वायद, प्लूरल का मतलब है जमा, और नाउन्स का मतलब है इस्म या नाम। यूं इसका मतलब हुआ वायद और जमा इस्म। और सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। वायद नाम एक शख्स, जगह, चीज़ या सोच को नाम देता है। एग्जाम्पल्स, आ पेंसिल, आ शार्पनर, आ पेन। अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जमा नाम एक से जायद शख्स, जगह, चीज़ या सोच को नाम देता है। एग्जाम्पल, पेंसिल्स, शार्पनर्स, पेन्स। प्लूरल्स ऑफ नाउन्स आर फॉर्म्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। इस माह के जमा बहुत से तरीकों से बनते हैं। अगर हम एक एक लफ्ज़ के जमा को याद करें तो ऐसा करना बहुत मुश्किल है और गलतियों के चांस भी बढ़ जाते हैं। इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ कवानीन बताए गए हैं जिनको अगर आप अच्छी तरह याद कर लें तो वाय से जमा बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। वो असूल मुदरजा ज़ैल है। इनको गौर से सुनिएगा और ज़हन नशीन करने की कोशिश कीजिएगा। एड एस टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ मोस्ट नाउन। अक्सर नामों के जमा बनाने के लिए एस का इजाफा करें। पहला वर्ड है डेस्क, इसके एंड पे हम एस का इजाफा करेंगे और ये इसका प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह बाकी अल्फाज के साथ भी हम एस का इजाफा करेंगे और वो इसके प्लूरल बन जाएंगे। डेस्क, डेस्क्स। कंप्यूटर, कंप्यूटर्स। पेपर, पेपर्स। एड ई एस टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ नाउन्स दैट एंड इन एस, एस एच, सी एच और एक्स। वो इस्मा जो एस, एस एच, सी एच या एक्स पर ख़त्म होते हैं उन्हें जमा बनाने के लिए ई एस का इजाफा करें। बुश, बुशेज। लंच, लंचेज। मैच, मैचेज। फॉक्स, फॉक्सेज। When a noun ends in a consonant followed by y, change the y to i and add es to form the plural. जब एक नाम हरूफ सही के साथ y पर ख़त्म होते हैं तो y की जगह i और es के इजाफे से जमा बनाएं। Lady, हम यहाँ से y को ख़त्म कर देंगे और y को हम i में तब्दील करके आगे es लगा देंगे। L-A-D-I-E-S, इस तरह ये लेडी से लेडीज, इसका प्लूरल बन जाएगा। सिटी, सिटीज। बेकरी, बेकरीज। होबी, होबीज। कंट्री, कंट्रीज। व्हेन अ नाउन एंड्स इन अ वावल फॉलोड बाय वाई, ऐड एस टू फॉर्म द प्लूरल। जब एक नाम हरूफ इल्लत के साथ वाई पर ख़त्म हो तो जमा बनाने के लिए एस का इजाफा करें। टंकी, ये वाई से पहले ई यानी ये वावल आ रहा है तो वाई से पहले जो भी वावल आएगा तो आगे जो वाई होगा हम उससे आगे एस का इजाफा कर देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। डंकी, डोंकीज। वैली, वैलीज। फॉर मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन एफ आर एफ ई, चेंज द एफ टू वी ई एंड एड एस और ई एस टू फॉर्म द प्लूरल। अक्सर नाम जो एफ या ई एफ पर ख़त्म होते हैं उनमें एफ को वी ई और एस का इजाफा करके जमा बनाएं। वाइफ, वाइफ के स्पेलिंग है डब्ल्यू आई एफ ई, तो हम एफ की जगह वी ई लिखेंगे, ये इसका प्लूरल बनेगा वाइफ्स, डब्ल्यू आई वी ई एस। काफ, काफ्स। वुल्फ, वुल्फ्स। लीव, लीव्स।
thief, thieves. Change the singular nouns to their plural forms. वायद नामों को इनके जमा में तब्दील करें. पहले बताए गए कवानीन को मद्देनजर रखते हुए इन वर्ड्स के हम प्लूरल बनाएंगे. कार कार्स, स्टार स्टार्स, कंट्री कंट्रीज, ईगल ईगल, फॉक्स फॉक्सेस, चाइल्ड चिल्ड्रन, पेपर पेपर्स, ड्रेस ड्रेसेस, स्टोरी स्टोरीज, स्केच स्केचेस, गार्डन गार्डन्स, चेरी चेरीज, ट्री ट्रीज, बेबी बेबीज, टॉय टॉयज, स्काई स्काइज. कप कप्स, बेंच बेंचेस, ग्लास ग्लासेस, ब्रश ब्रशेस, पोनी पोनीज, लैच लैचेस, लेडी लेडीज, वैली वैलीज, बेरी बेरीज, होली होलीज, ऐसे ऐसे, क्लॉक क्लॉक्स, चिमनी चिमनीज, इंजरी इंजरीज. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, काबिले शुमार और ना काबिले शुमार नाम. काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं कि इनकी तादाद कितनी है. अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम नंबर्स में नहीं गिन सकते. काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स दैट वी कैन काउंट, फॉर एग्जांपल बुक. काबिले शुमार वो नाम हैं जिनको हम गिन सकते हैं, मिसाल के तौर पर बुक. वी कैन काउंट बैग्स एज वन टू और थ्री बैग्स. हम बस्तों को एक दो या तीन बस्ते गिन सकते हैं. पेपर कैप डॉल हैंड टेबल पेन. काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. काबिल शुमार नाम वायद या जमा हो सकते हैं. माई पेन इज लॉस्ट, माई बुक्स आर ओल्ड. वी कैन यूज द इनडेफिनेट आर्टिकल आर एन विद काउंटेबल नाउन्स. हम काबिल शुमार नामों के साथ नंबर वाजे हरूफ तनकीर आ या एन इस्तेमाल कर सकते हैं. अ कैट इज एन एनिमल. व्हेन अ काउंटेबल नाउन इज सिंगुलर वी मस्ट यूज अ वर्ड लाइक आ द माई दिस विद इट. जब एक काबिल शुमार नाम वायद होता है हमें चाहिए एक लफ्ज जैसा कि आ द माई दिस विद इट इस्तेमाल करें. आई वॉन्ट एन ऑरेंज. वेयर इज माई बाक्स. आई लिव इन दिस हाउस. दिस इज माई टेबल. वैन अ काउंटेबल नाउन इज प्लूरल वी कैन यूज इट अलोन. जब एक काबिल शुमार नाम जमा हो तो हम उसे अकेला इस्तेमाल कर सकते हैं. आई वॉन्ट ऑरेंजेज. Doors are closed. Which indefinite article will you use with these countable nouns? आप इन काबिल शुमार इस्मा के लिए कौन सा गैर वाज़े हरूफ तनकीर इस्तेमाल करेंगे? Use a or an. A या an का इस्तेमाल करें. A bus. A teacher. An uncle, a woman, an envelope, an insect.
अनकाउंटेबल नाउन, नाकाबिले शुमार इस्मा, यानी वो नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन आर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। फॉर एग्जाम्पल, शुगर वी कैन नॉट काउंट शुगर, बट वी कैन काउंट द स्पॉन्स ऑफ शुगर लोक एट सम अनकाउंटेबल नाउन्स। नाकाबिले शुमार इस्मा वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पर हम चीनी को नहीं गिन सकते, मगर हम चीनी के चम्मच गिन सकते हैं। कुछ नाकाबिले शुमार इस्मा को देखें: वाटर, शुगर, साल्ट, लव, एडवाइस, हैप्पीनेस, लगेज, गैस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर। द अनकाउंटेबल नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब फॉर देम। नाकाबिले शुमार इस्मा वायद के तौर पर दर्ज किए जाते हैं, हम इनके लिए वायद फेल इस्तेमाल करते हैं। शुगर इज एक्सपेंसिव, चीनी महंगी है। गैस इज चीप, गैस सस्ती है। वी यूजुअली डू नॉट यूज द इंडेफिनेट आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन्स। वी यूजुअली से आ समथिंग ऑफ, हम अमूमन नाकाबिले शुमार इस्मा के साथ गैर वाजे हर्फ तनकीर इस्तेमाल नहीं करते। हम आम तौर पर किसी चीज़ के लिए एक कहते हैं, अ पीस ऑफ केक, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्रेन ऑफ सैंड। वी यूजुअली यूज सम आर एनी विद अनकाउंटेबल नाउन्स। हम आम तौर पर नाकाबिले शुमार इस्मा के साथ सम या एनी इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, डू यू हैव एनी सॉल्ट। वी आल्सो यूज़ अ लिटल और मच विद अनकाउंटेबल नाउन, हम नाकाबिले शुमार नामों के साथ अ लिटल या मच भी इस्तेमाल करते हैं। आई हैव अ लिटल हैप्पीनेस इन माई लाइफ, आई हैव गॉट मच बेटर प्रैक्टिस। टेल वेदर ईच नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, राइट सी फॉर काउंटेबल एंड यू एन फॉर अनकाउंटेबल नाउन। बताएं कि हर नाम काबिल शुमार है यानी काउंटेबल है या नाकाबिल शुमार यानी अनकाउंटेबल। काबिल शुमार के लिए सी और नाकाबिल शुमार के लिए यू एन लिखें, यानी जो काउंटेबल हैं उनके साथ सी लिखेंगे और जो अनकाउंटेबल हैं उनके आगे यू एन लिखेंगे। जूस, ये अनकाउंटेबल है इसलिए हम यहाँ पे यू एन लिखेंगे। शुगर, ये भी अनकाउंटेबल है इसलिए हम यहाँ पे यू एन लिखेंगे। बैट, ये काउंटेबल है इसलिए हम इसके आगे सी लिखेंगे। फ्रूट, ये काउंटेबल है इसके आगे भी सी लिखेंगे। कप, ये भी काउंटेबल है इसके आगे भी सी लिखेंगे। और लास्ट वर्ड है करेंसी, ये भी काउंटेबल है इसलिए हम इसके आगे सी लिखेंगे। राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। पैराग्राफ आउटलाइन, पैराग्राफ का काका। राइट अ पैराग्राफ ऑन हार्ड वर्क, मेहनत पर एक पैराग्राफ लिखें। यह पैराग्राफ आपने खुद लिखना है और अपने टीचर को चेक करवाना है। इसके अलावा कुछ नीचे सवालात भी दिए गए हैं, इनके जवाबात आपने अपने पैराग्राफ को सामने रखते हुए देने हैं और इन सवालात के जवाबात भी अपने टीचर को चेक करवाने हैं। आपकी आसानी के लिए इसको मैं हल कर रहा हूँ। टॉपिक सेंटेंस, आई ऑलवेज कम्प्लीट माई वर्क इन टाइम। सपोर्टिंग डिटेल वन, आई गो टू स्कूल इन टाइम। सपोर्टिंग डिटेल टू, आफ्टर हैविंग लंच आई रेस्ट फॉर वन आवर। सपोर्टिंग डिटेल थ्री, देन आई डू माई होमवर्क। पैराग्राफ, आई ऑलवेज कम्प्लीट माई होम वर्क इन टाइम बिकॉज टू डू वर्क इन टाइम इज कॉल्ड हार्ड वर्क। आई गो टू स्कूल इन टाइम टू बी कॉल्ड अ पंचुअल स्टूडेंट। आफ्टर हैव ए लंच आई रेस्ट फॉर एन आवर, टेकिंग रेस्ट मेक्स मी फ्रेश, देन आई डू माई होम वर्क। आई ऑलवेज प्रेफर माई स्टडी इंस्टेड ऑफ प्लेइंग। फॉर दीज हैबिट्स अदर लाइक मी एंड called me hard working and punctual. It is an old saying that hard work is a key to success. Revise your rough draft with the help of the checklist given below. नीचे दी गई जायजा फ्रेज की मदद से अपने ख्वाब मसूदा की दोहराई करें।
Have you given a title to your paragraph? क्या आपने अपने पैराग्राफ को नाम दिया? Answer: Yes, I do. It is key to success. जी हाँ, ये कामयाबी की कुंजी है. Did you indent the first line? क्या आपने पहले सतर में रद्दबदल किया? Answer: Yes, I do. Indent the first line. जी हाँ, मैंने पहले सतर में रद्दबदल किया. Is there an impressive topic sentence in your paragraph? क्या आपके पैराग्राफ में एक मुअसर मौजूआती जुमला है? Answer: Yes. In my point of view, there is. जी हाँ, मेरे नुक्ता नज़र से है. Are the other sentence supporting your topic sentence? क्या दूसरे जुमले आपके मौजूआती जुमले की तायद कर रहे हैं? Answer: Yes. Certainly, the other sentence are supporting the topic sentence. जी हाँ, यकीनन दूसरे जुमले मौजूआती जुमले की तायद कर रहे हैं. Are your ideas in proper order? क्या आपकी सोच दुरुस्त तरतीब में है? Answer: Yes. I have tried to arrange my ideas in proper order. जी हाँ, मैंने अपनी सोच को तरतीब देने की कोशिश की है. Does your paragraph have an impressive concluding sentence? क्या आपके पैराग्राफ का इख्तितामी जुमला मुतासिर कौन है? Answer: Yes. That is an impressive concluding sentence in the given. जी हाँ, पैराग्राफ में मुतासिर कौन इख्तितामी जुमला है. Address your paragraph. Check spelling, punctuation, vocabulary and grammar mistakes. Write a final copy. अपने पैराग्राफ की जांच पड़ताल करें, लहजे को जांचें, रमूज वकाफ लिखें, ज़खीरा अल्फाज और कवायद की गलतियों की जांच करें और नतीजा कौन तहरीर लिखें. Speaking, बोलचाल. Discuss with your classmates all the characteristics of your mother which have made her your role model. आपकी वालदा की जिन खसूसियात ने आपको उनका गर्विदा बनाया, इससे मुतल्लिक अपने हम जमातों से तबादला ख्याल करें.